नमस्कार, मेरा नाम निवृत्ति वारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स एस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने हमारे इस वीडियो सेगमेंट में कल मैंने आपको दर्शन शास्त्र से संबंधित दर्शन की परिभाषा आपको बताया था और वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक और उपनिषद के बीच मैंने आपको अंतर समझाया था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आने वाले वीडियो में मैं वेद को और विस्तार से आपको समझाऊंगा और दर्शन के हर एक पहलू को मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में मैं वेद को स्थापित करूंगा, वेद से संबंधित मैं आपको कई नए जानकारी दूंगा जिससे जिसको लेकर आप थोड़ी बहुत अपरिचित भी हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं क्या वेद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वेद है, वेद जो कि एक विद धातु से निकलता है, विद मतलब विद से विज्ञ, विज्ञ या फिर विद्वान, मतलब जो वेद है उस वेद का जो परिभाषा है या वेद का जो शब्दिक अर्थ है वो क्या निकलता है, यहाँ पर ज्ञान निकलता है। ज्ञान मतलब अर्थात पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। तो कभी अगर आपसे ये पूछे कि जो वेद है उस वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। और ज्ञान किस रूप में, तो पवित्र ज्ञान या अध्यात्म ज्ञान ही क्या है, वेद। जैसे कि हमको ये मालूम है कि हमारे भारतीय साहित्य में कुल मिलाकर चार वेद, और ये चार वेद क्या था, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब आपको ये समझना होगा कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि एक सामान्य दृष्टांत से हम समझते हैं कि हुआ ये था कि जो ब्रह्मा, जिनको हम सृष्टि के रचयिता बोलते हैं, तो ब्रह्मा ने हम लोगों को सभ्य करने के लिए, सभ्यता की ओर अग्रसर करने के लिए उन्होंने वेदों का क्या किया, रचना। उन्होंने वेदों का रचना किया। तो ये जो मैं चीज समझा रहा हूँ आपको, इसको आप अलग वे समझिए। वह ये होगा कि ब्रह्मा ने वेदों को लिखा और वेद को लिखने के बाद वो पूरे के पूरे वेद जो है वो इस सृष्टि में उन्होंने छोड़ दिया। जब वेदों की रचना करने के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि में उन वेदों के पन्ने को छोड़ा, तो जो पन्ने थे वो छिन्न भिन्न हो गए, इधर उधर हो गए। तो हुआ ये था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन ये वो व्यक्ति जिन्होंने पहली बार उन वेदों को देखा। वेदों को देखने वाला जो प्रथम दृष्टा है वो कौन है, कृष्णद्वैपायन। और इन्हीं कृष्णद्वैपायन उन वेदों के पन्नों को देखकर उन वेदों का संकलन किया और देखा कि कुछ वेदों के पन्ने में क्या है, मंत्र है, और कुछ वेदों के पन्ने में क्या है, आरती स्तुति है, और कुछ वेदों के पन्ने में क्या है, कर्म कांड है और यज्ञ के नियम है। तो जो वेदों, जो वेद के जो पन्ने थे जिसमें मंत्र थे, उन मंत्रों वाले पन्ने को उन्होंने एक साइड रखा, आरती स्तुति वाले पन्ने को उन्होंने एक साइड रखा, और यज्ञ और कर्मकांड संबंधित जो पन्ने थे उन्होंने उसको एक साइड रखा। तो हुआ ये कि जो कृष्णद्वैपायन है उन्होंने सबसे पहले वेदों का संकलन किया और संकलन करने के बाद उन सभी वेदों के पन्नों का उन्होंने क्या किया, पृथक्करण किया, अर्थात मंत्र वाले पन्ने एक साइड, आरती स्तुति वाले पन्ने एक साइड और यज्ञ और कर्मकांड संबंधित जो पन्ने थे वो एक साइड। मतलब कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन कर उसका पृथक्करण किया। पृथक्करण को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसलिए कृष्णद्वैपायन को हम क्या बोलेंगे, तो वेद व्यास। मतलब कभी भी अगर आपसे पूछे कि भाई वेद व्यास कौन थे, तो वेद व्यास कृष्णद्वैपायन थे। वेद व्यास वो थे जिन्होंने वेदों का व्यास किया अर्थात वेदों का पृथक्करण। तो इस प्रकार से हमारे पास तीन वेद मिले। ये तीन वेद क्या है, एक वेद जिसमें मंत्र है, एक वेद जिसमें आरती स्तुति है, और एक वेद जिसमें क्या है, यज्ञ और कर्म कांड संबंधित नियम और कानून है। तो जो मंत्र से जो बद्ध जो वेद है उसको हमने क्या बोला, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हमारा पहला वेद हुआ जिसमें क्या है, मंत्र है। तो मंत्रों से बद्ध वेद क्या हुआ हमारा, ऋग्वेद। वही आरती स्तुति वाला जो वेद हुआ वो हमारा क्या हुआ, सामवेद। और वही जो यज्ञ और नियम कानून के या यज्ञ और कर्मकांड के नियम और कानून वाला जो वेद हुआ वो क्या हुआ हमारा, यजुर्वेद। तो इस प्रकार से ये स्टार्टिंग के ये हमारे क्या थे, तीन वेद। और इन तीन वेद को हम क्या बोलते हैं, तो वेद त्रयी। तो वेद त्रयी, तो ये तीन क्या है, वेद त्रयी है। क्या क्या आपका, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्रों का क्या है, संकलन। उन्हीं मंत्रों का उच्चारण जब हम गाना गाकर करेंगे तो क्या है, सामवेद है।
और उसके अलावा जो यज्ञ और कर्मकांड संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद। या आपको इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर हमको हमारे प्रकृति के देवी देवताओं को प्रसन्न करना होगा, तो प्रकृति के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जब हमने मंत्रों का उच्चारण किया तो वो क्या था? ऋग्वेद। जब वो मंत्रों के उच्चारण करने के बाद देवी देवताएं प्रसन्न नहीं हुए तो उन्हीं मंत्रों का उच्चारण हमने अगर गाना गाकर किया तो वो क्या हुआ? सामवेद। और अगर मान लो गाना गाने के बाद भी हमारे अगर हमारे देवी देवताएं प्रसन्न नहीं हुए तो अब हम क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे और कर्मकांड करेंगे, तो यज्ञ और कर्मकांड संबंधित जो वेद है वो क्या है? यजुर्वेद। और इन तीन वेद को हम क्या बोलते हैं? वेदत्रयी। अभी तो हमने अथर्वेद को वेद नहीं माना, कि अथर्वेद को हम आगे चलकर वेद मानेंगे, कैसे मानेंगे ये सब जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये वेद हो गया और ये वेद के तीन प्रकार। अब इन तीनों वेद में जो पहला वेद है वो क्या है? ऋग्वेद। तो हम यहां समझते हैं कि ऋग्वेद यहां पर क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंत्रों से संकलित है, मतलब मंत्रों से बद्ध जो वेद है या ऋचाओं से बद्ध जो वेद है वो हमारा क्या है? ऋग्वेद। अब ये ध्यान देना होगा कि ऋग्वेद को हम दो प्रकार से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ऋग्वेद के दो विभाजन, दो विकार। पहला है क्या? आष्टिक क्रम। पहला क्या है? आष्टिक क्रम। तो पहला क्या है? आष्टिक क्रम। और दूसरा क्या है? मांडलिक क्रम। तो पहला क्रम क्या है? आष्टिक। और दूसरा क्या है? मांडलिक क्रम। ऋग्वेद के जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने का दो तरीका, एक आपका आष्टिक क्रम और दूसरा क्या आपका मांडलिक क्रम। अगर आप आष्टिक क्रम के अनुरूप आप वेदों का पाठ करते तो ध्यान देना आष्टिक क्रम में आठ अष्टक होंगे, उन प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय होंगे, मतलब आठ क्या है? अष्टक। और हर एक अष्टक में आठ क्या होंगे? अध्याय होंगे। और वो जो अध्याय है उन अध्यायों में वर्ण होंगे, तो कुल मिलाकर जो वर्गों की जो संख्या है वो 2006 होगी। मतलब प्रत्येक अध्याय में 2006 क्या है? वर्ग है। तो अगर आपको ऋग्वेद का आष्टिक क्रम देखना है तो आष्टिक क्रम में कितने अष्टक है? तो आठ अष्टक है। उन अष्टकों में कितने अध्याय है? तो आठ अध्याय है। और प्रत्येक अध्याय में, मतलब प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय और प्रत्येक अध्याय में कितने वर्ग? 2006 वर्ग। तो ये हमारा क्या हो गया? आष्टिक क्रम, जो उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। हम मुख्यतः वेद का पाठ या ऋग्वेद का पाठ मांडलिक क्रम के अनुसार करते हैं। जो मांडलिक क्रम है उस मांडलिक क्रम में कुल मिलाकर 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के मांडलिक क्रम में कितने मंडल है? 10 मंडल। उस 10 मंडल में 85 अनुवाक है। तो अनुवाकों की संख्या कितनी है? 85। तो ऋग्वेद के मांडलिक क्रम में कितने मंडल? 10। और 10 मंडल में कितने अनुवाक है? 85। उन 85 अनुवाकों में 1017 मूल सूक्त है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला? मूल सूक्त। तो 1017 क्या है? मूल सूक्त। मूल सूक्त मतलब मूल सूक्त। तो भाई मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। अनुवाक कितने हैं? 10 मंडलों में 85 अनुवाक है। और 85 अनुवाक के बाद कितने सूक्त हैं? तो 1017 मूल सूक्त। मतलब जब मैं वेद का वास्तविक स्वरूप को देखूंगा तो मतलब ऋग्वेद के वास्तविक स्वरूप में 1017 सूक्त थे। हुआ ये कि इसी वेद में हमें कुछ परिशिष्ट दिखे, इन परिशिष्टों को हम बोलते हैं बालखिल्य। इन बालखिल्य सूक्तों की संख्या 11 है। तो कितने बालखिल्य है? 11। तो खिल्य कितने हैं? 11। जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के आठवें मंडल में आपको खिल मिल जाएगा। तो ऋग्वेद के जो आठवें मंडल है उसमें खिलों की संख्या कितनी है? 11। ये 11 हमारे क्या है? बालखिल्य सूक्त। तो 1017 क्या है? मूल सूक्त। 11 क्या है? बालखिल्य। तो 1017 धन 11 क्या होगा? 1028 होगा। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। तो ध्यान दीजिएगा यहां प्रश्न कैसे पूछेगा कि अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है तो आपको उसका उत्तर क्या देना होगा? 1028। लेकिन वही अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मूल सूक्त हैं तो मूल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1017। इन 1017 मूल सूक्तों में 11 बालखिल्य जोड़ा, इसीलिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी हुई? 1028 हुई। और इन्हीं 1028 सूक्तों में आपको यह ध्यान देना होगा कि 1028 सूक्तों में 10,552 मंत्र है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,552, लगभग 10,600।
कई ऐसे किताब है जहां मंत्रों की संख्या 10,580 दिया हुआ है, कितना दिया है 10,580। कई ऐसी किताब है जहां 10,687 दिया हुआ है, कई ऐसी किताब जहां 10,657 दिया है, लेकिन आपको क्या लेना है 10,552। तो ऋग्वेद में आप ये बोल सकते हो कि लगभग 10,600 मंत्र है, मतलब 10,552 मंत्र है। तो ऋग्वेद को पढ़ने का दो तरीका है, क्या, एक आष्टिक क्रम और एक मांडलिक क्रम। आष्टिक क्रम में कितने होंगे, 8 अष्टक होंगे, और प्रत्येक अष्टक में 8 क्या होंगे, अध्याय होंगे, और प्रत्येक अध्याय में 2006 वर्ग होंगे। वहीं जो मांडलिक क्रम है, उन मांडलिक क्रम में कितने मंडल होंगे, 10 मंडल होंगे, उन 10 मंडल में कुल मिलाकर 85 अनुवाक होंगे, उन 85 अनुवाकों में 1,017 क्या होगा, मूल सूक्त, और 1,017 मूल सूक्तों में 11 क्या जुड़ेगा, बालखिल्य, और 11 बालखिल्य जोड़ने के बाद सूक्तों की संख्या कितनी होगी, 1,028, और 1,028 सूक्त कंप्राइजेस ऑफ 10,552 वर्सेस, मतलब 10,552 यहां पर क्या होंगे, मंत्र। इसलिए हमने बोला ना, जो ऋग्वेद है वो मंत्रों से या सूक्तों से या ऋचाओं से क्या है, बद्ध। क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम क्या है, ग्रंथ भी। तो अब हम थोड़ा ऋग्वेद को और एक्सप्लोर करते हैं। आपको यह ध्यान देना होगा, ऋग्वेद एक प्रकार का एक संहिता है, क्योंकि इसमें मंत्र है, और मंत्रों के संकलन को हम क्या बोलते हैं, संहिता। तो ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारे संहिताएं, आज वर्तमान में जो संहिता है जो बचा हुआ है वो एकमात्र कौन सा, तो संप्रति। तो ऋग्वेद का एकमात्र संहिता कौन सा बचा हुआ है, संप्रति संहिता, बाकी सभी संप्रदाय जो संहिता है वो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो ये एकमात्र कौन सा है, संप्रति। इसके अलावा आप ये ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद के कुल मिलाकर 5 शाखाएं, और 5 शाखाएं क्या क्या, पहला आपका एक शाकल शाखा, पहले क्या है शाकल, दूसरा क्या है वाष्कल शाखा, तो पहले क्या है शाकल शाखा, दूसरा क्या है वाष्कल, तीसरा क्या है शंख आयन, तीसरा क्या है शंख आयन, और शंख आयन के बाद जो चौथा है उसका नाम क्या है मंडुक आयन। तो कुल मिलाकर कितने हैं, 5 पहले क्या है शाकल शाखा, दूसरा क्या है वाष्कल शाखा, तीसरा क्या है शंखायन, चौथा क्या है मंडुक आयन, और जो पांचवा है, पांचवा को हम क्या बोलते हैं, तो अश्वलायन। तो कुल मिलाकर कितने हैं, 5 है। क्या क्या बताओ, तो पहला क्या है शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, शंखायन, मंडुक आयन और अश्वलायन। तो ये 5 आपके ऋग्वेद के शाखाएं हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन 5 शाखाओं में आज वर्तमान में सिर्फ एक ही शाखा बचा है जिसका नाम क्या है, शाकल शाखा। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर, ऋग्वेद से संबंधित कुल मिलाकर 5 शाखाएं हैं। उन 5 शाखाओं का नाम शाकल है, वाष्कल है, अश्वलायन है, मंडुकायन और शंखायन। ऋग्वेद का एक ही संहिता बचा है, कौन सा, संप्रति संहिता। और ऋग्वेद जो है उसमें कुल मिलाकर 10 मंडल है, 10 मंडलों में 85 अनुवाक है, 85 अनुवाक में 1,017 मूल सूक्त है, 1,000 मूल सूक्तों में कितना है, 1,017 मूल सूक्तों में 11 बालखिल्य जुड़ा है, और कुल मिलाकर सूक्तों की संख्या कितनी है, 1,028, और इन्हीं 1,028 सूक्तों में 10,552 क्या हुए, मंत्र। अब इसी ऋग्वेद को थोड़ा हम और व्यापक रूप से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कुल मिलाकर मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो मैं लिख देता हूं कितने मंडल है, 10 मंडल। तो हमारे पास ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में मंडल की जो संख्या है हुई वो कितनी हुई, 10। अब इस 10 मंडल को हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का जो मंडल क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 मंडल, 2 से लेकर कहां तक, 7। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मंडल है, इस मंडल को हम बोलते हैं वंश मंडल, गोत्र मंडल और ऋषि मंडल। इसी वंश मंडल, गोत्र मंडल और ऋषि मंडल को ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल माना गया है। तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल है वो क्या है, ऋषि मंडल, गोत्र मंडल या वंश मंडल, जो क्या है 2 से लेकर 7। तो 2 से लेकर 7 जो मंडल है वो सबसे क्या है, प्राचीनतम है। और इसी में अगर मैं बात करूं, इन्हीं मंडल में अगर मैं देख लूं कि भाई यहां मुझे क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपको, मंडल क्रमांक 1 और मंडल क्रमांक 2। तो जो मंडल क्रमांक 1 है और जो मंडल क्रमांक क्या है, 10 है। तो मंडल क्रमांक 1 और मंडल क्रमांक जो 10 है, ये ऋग्वेद के क्या है, नवीनतम मंडल है।
तो ऋग्वेद का जो नवीनतम मंडल वो क्या है, मंडल क्रमांक 1 और मंडल क्रमांक 10 है, और जो ऋग्वेद का जो प्राचीनतम मंडल है वो हमको मालूम है क्या, 2 से लेकर क्या है 7 है। तो 2 से लेकर 7 क्या है, प्राचीन है, और अगर मैं बात करूं क्या 1 और 10 क्या है, नवीन है। तो 1 और 10 क्या है, नवीन मंडल, और 2 से लेकर 7 क्या है, प्राचीनतम मंडल। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि 1 और 10 चुकी है वो क्या है, नवीनतम मंडल। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, मंडल क्रमांक 2 से। ऋग्वेद का जो मंडल क्रमांक 2 है, इस 2 के संकलनकर्ता को कहा जाता है एक महर्षि को, जिनका नाम क्या है, गृत्स्मत। तो मेरे को एक महर्षि नाम मिलता है, नाम का नाम, नाम क्या है इनका, गृत्स्मत। तो यहां पर नाम क्या मैंने कहूंगा, गृत्स्मत। तो गृत्स्मत जो है ये क्या है, ये मंडल क्रमांक 2 के क्या है, रचयिता है। वही जो मंडल क्रमांक 3, मंडल क्रमांक 3 में आपको गायत्री मंत्र मिलता है, ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये आपको कहां मिलने वाला है, मंडल क्रमांक 3 में आपको मिलने वाला है। अगर मैं बोल रहा हूं गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का जो संकलन करता है या गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो कौन है, तो महर्षि विश्वामित्र। तो महर्षि विश्वामित्र जो है वो मंडल क्रमांक 3 के क्या है, रचनाकार है, और इसी मंडल क्रमांक 3 में हमें क्या मिलता है, गायत्री मंत्र। तो ध्यान देगा दीजिएगा, मंडल क्रमांक 3 के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र में जो 10वां जो मंत्र है वो एक्चुअली क्या है, गायत्री मंत्र। तो ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में है, तीसरे मंडल में, कौन से नंबर के सूक्त में, 62वें नंबर के सूक्त में, और कौन से नंबर का वो मंत्र है, तो 10वां वो क्या है, मंत्र है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि जो तीसरा मंडल है उसमें क्या है, तो ओम भर्गस्वाहा तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात ये हमारा क्या है, गायत्री मंत्र। और यही गायत्री मंत्र का उल्लेख पहली बार कहां होता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। जो ऋग्वेद का जो मंडल क्रमांक 4 है, मंडल क्रमांक 4 के रचनाकार वामदेव है, कौन है, वामदेव। तो वामदेव क्या हुए, मंडल क्रमांक 4 के क्या हुए, रचनाकार। वही जो ऋग्वेद का जो पांचवा मंडल है, ऋग्वेद के पांचवें मंडल के जो रचनाकार है वो महर्षि अत्रि है। तो महर्षि अत्रि ने ऋग्वेद के पांचवें मंडल का रचना किया है। और वही जो ऋग्वेद का जो छठवां मंडल है, ऋग्वेद के छठवें मंडल के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है, महर्षि भारद्वाज। तो महर्षि जो भारद्वाज है वो ऋग्वेद के छठवें मंडल के क्या है, रचनाकार। तो दूसरे कौन है, गृत्स्मत, तीसरे कौन है, विश्वामित्र, चौथे को कौन है, वामदेव, पांचवे कौन है, अत्रि, और छठवे कौन है, महर्षि भारद्वाज। और वही अगर मैं बात करूं ऋग्वेद का सातवां मंडल, तो ऋग्वेद के सातवें मंडल के जो रचनाकार है वो महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। तो ध्यान दीजिएगा, महर्षि वशिष्ठ अगर मैंने बोला है, तो जब हम आगे जाकर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भाई वैदिक काल में एक दशराग्य युद्ध हुआ था। दशराग्य युद्ध उस समय एक भरत जन हुआ करता था, और 10 ऐसे जन थे जिसमें आर्य और अनार्य जन थे। भरत जन का जो नेतृत्व करने वाले कौन थे, महर्षि वशिष्ठ थे, और बाकी 10 जन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो महर्षि विश्वामित्र थे। तो यहां पर एक वॉर हुआ था महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में, जिसके इस उस युद्ध के विजेता कौन थे, तो महर्षि वशिष्ठ। ये जो 10 राग्य युद्ध हुआ था ये परुष्णी अर्थात रावी नदी के किनारे हुआ था। तो वही महर्षि वशिष्ठ। तो महर्षि वशिष्ठ ने रचना किया ऋग्वेद का सातवां मंडल, और ये ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद के सातवें मंडल में, ऋग्वेद के सातवें मंडल में हमें सिर्फ और सिर्फ वरुण देवता को ही लेकर हमें क्या मिलते हैं, सूक्त मिलता है, मतलब पूर्ण रूप से ये वरुण देवता को क्या है, समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल वरुण देवता को लेकर समर्पित है, तो ऋग्वेद का सातवां मंडल पूर्ण रूप से वरुण देवता के लिए क्या है, समर्पित है। ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद में 30 बार वरुण देवता का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। इन्हीं वरुण देवता को हम ईरानी भाषा में क्या बोलते हैं, अहुर मजदा, क्योंकि वरुण देवता को हम क्या बोलते हैं, असुर, क्या बोलेंगे, असुर। और ध्यान दीजिएगा ईरानी जो है वो कभी भी सा को सा ना बोल पाए, वो सा को क्या बोले, हा बोले। जब कभी जो ईरानी जब वो भारत आए, तो जब भारत आए थे तो उनके सामने एक नदी आई, कौन सी, सिंधु नदी। तो सिंधु को वो सिंधु ना बोल के वो क्या बोले, हिंदू नदी। तो उसी से क्या बना, हिंदुस्तान, हम क्या बने, हिंदू बने। उसी प्रकार से
इनके लिए जो असुर देवता है वो असुर, असुर का जो सा हो गया हुआ हा, तो नाम क्या हो गया अहुर, तो हमने क्या बोला अहुर मजदा। तो इस प्रकार से जो वरुण देवता है तो वरुण देवता को पूर्ण रूप से समर्पित जो मंडल है वो कौन सा मंडल है सातवां मंडल, और इस मंडल के रचयिता कौन है तो महर्षि वशिष्ठ। वही जो ऋग्वेद का जो आठवां मंडल है, मैंने बताया था भैया इसी आठवां मंडल में आपको खिली मिलेंगे, तो खिली मिल रहा है। और इस आठवां मंडल के जो रचनाकार है उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद का जो आठवां मंडल है, ऋग्वेद के जो आठवां मंडल है उसके जो रचनाकार है उनका नाम है महर्षि अंगिरा। तो महर्षि अंगिरा ने ऋग्वेद के आठवें मंडल का क्या किया है रचना किया है, और बच गया अब क्या नौवां मंडल दसवां मंडल और पहला मंडल। ध्यान दीजिएगा यहाँ कोई एक ऋषि विशेष नहीं है, यहाँ कई ऋषि ऋषियों ने अपने अपने मंत्रों का यहाँ पर क्या है संकलन किया है, इसलिए इनके आगे हम हमसे क्या लिखते हैं अन्य ऋषि। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद का जो नौवां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है किसी नौवें मंडल में ये जो नौवां मंडल वो पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। यहाँ सोम रस को लेकर यहाँ पर क्या है यहाँ सोम रस का बहुत प्रसन्न मतलब सोम रस को लेकर यहाँ बहुत चर्चा किया गया है, और पूर्ण रूप से सोम देवता को लेकर जो समृद्ध जो मंडल है वो कौन सा है ऋग्वेद का नवा मंडल। ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद में 144 बार सोम देवता का उल्लेख हुआ है, और जो नवा मंडल है ये पूर्ण रूप से समर्पित है किनको सोम देवता को। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल वरुण देवता को समर्पित है, तो ऋग्वेद का सातवां मंडल क्या है वरुण देवता को लेकर क्या है समर्पित है, और ऋग्वेद का नौवां मंडल क्या है तो सोम देवता को लेकर क्या है समर्पित है। और एक चीज और आप और ध्यान देंगे कि महामृत्युंजय पाठ, मतलब अगर हमको अपने जीवन को मतलब हमें आयु को अगर बढ़ाना है तो हमें कौन सा मंत्र पढ़ना है महामृत्युंजय पाठ करना है। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये जो त्र्यंबकम मंत्र है, ये त्र्यंबकम मंत्र भी आपको पहली बार कहाँ मिलेगा ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के सातवें मंडल में आपको ये मिलेगा। ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है उस मंडल का 59वां जो सूक्त है उसका जो 12वां जो मंत्र है वो क्या है त्र्यंबकम मंत्र है। तो गायत्री मंत्र कहाँ पर है तीसरे मंडल में, और त्र्यंबकम मंत्र कहाँ पर है तो सातवें मंडल में। मतलब कभी ये पूछा एग्जाम में कि ऋग्वेद में जो आपका त्र्यंबकम मंत्र है वो कौन से मंडल में है तो वो सातवें मंडल में। तो इस प्रकार से ये एक से लेकर आपका ये क्या हुआ नौ मंडल हुआ, अब बस गया कि आपका दसवां मंडल। ध्यान दीजिएगा दसवां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, दसवां मंडल में कई हमें विशेष सूत्र मिलते हैं, विशेष सूक्त मिलते हैं, उसमें एक सूक्त है क्या नासदीय सूक्त। जो नासदीय सूक्त है उस नासदीय सूक्त में हमें सृष्टि के निर्माण संबंधित क्या मिला जानकारी मिला, सृष्टि की उत्पत्ति संबंधित हमें जानकारी मिला, हमें निर्गुण ब्रह्मा के बारे में क्या मिला जानकारी मिला किसमें ऋग्वेद के दसवें मंडल के नासदीय सूक्त में, किस सूक्त में नासदीय। तो ऋग्वेद के दसवें मंडल में मैंने आपको एक सूक्त का नाम दिया है, नाम क्या है नासदीय सूक्त, जहां हमें सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी मिलता है और निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में हमें क्या मिलता है जानकारी मिलता है। इसी ऋग्वेद के दसवें मंडल में एक और सूक्त है जिसका नाम क्या है पुरुष सूक्त, और ध्यान दीजिएगा जो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमको मालूम है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का रचना किया है, ब्रह्मा ने हम मानवों को जन्म दिया है, लेकिन हम मानवों को हम मनुष्यों को उसके कर्म और गुण के आधार पर, उसके कर्म और गुण के भेद में, भेद के आधार में वर्ण व्यवस्था को लाने वाले कौन थे तो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने चार वर्ण व्यवस्था को निरूपित किया है, क्या क्या ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये जो चार वर्ण है इन चार वर्णों का जो पहला उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है, और ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था में ये बताया गया कि जो ब्रह्मा का जो मुख है वो क्या है ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं वो कौन है क्षत्रिय है, जो जांघ है वो क्या है वैश्य है, और पैर क्या है शूद्र है। तो चार वर्ण है इसके बारे में पहली बार जब जानकारी हमें कहां से मिलता है तो ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में। और ये ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का उल्लेख 15 बार हुआ है, क्षत्रिय शब्द का उल्लेख 9 बार हुआ है, और वैश्य और शूद्र शब्द का उल्लेख एक एक बार हुआ है।
तो ये क्या हुआ, ये चार वर्ण हुए और वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलता है, ऋग्वेद से। जब हम आगे पढ़ेंगे यहां पर वैदिक सभ्यता तो अभी जानेंगे कि यहां जो वर्ण व्यवस्था वो कर्म के आधार पर है। जो ज्ञान का प्रसार करेगा, जो ज्ञान को देगा, जो ज्ञान का दाता होगा वो कौन होगा, ब्राह्मण होगा। जो युद्ध लड़ेगा, जो युद्ध से पलायन नहीं होगा, जो दानवीर होगा वो कौन होगा, क्षत्रिय होगा। जो पशुपालन करेगा, जो जो कृषि का कार्य करेगा, जो व्यापार करेगा, वाणिज्य की ओर जाएगा वो कौन होगा, वैश्य होगा। और जो इन तीन वर्णों का जो सेवा करेगा वो कौन होगा, शूद्र होगा। तो इस प्रकार से ये चार क्या थे, वर्ण। अब यहां को ये ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ये वर्ण व्यवस्था वो कर्म के आधार पर था। महर्षि विश्वामित्र कायदे से वो क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से क्या थे, ब्राह्मण। जैसे ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वहां पर एक शिष्य महर्षि अंगिरा ये लिखते हैं कि मैं चिकित्सक हूं, सॉरी मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक चिकित्सक है और मेरी माता एक आटा पीसने वाली। पर मैं कवि हूं मतलब वो ब्राह्मण है, मेरे पिता चिकित्सक है मतलब वो एक वैश्य है, उनके पिता क्या है, एक वैश्य। और मेरी माता आटा पीसने वाली है मतलब वो कौन है, तो वो एक शूद्र। त्रिपुरा से यहां पर क्या है कि यहां पर कोई जाति भाव नहीं है, यहां पर कर्म के आधार पर वर्णों की क्या है, व्यवस्था थी। इसमें ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें क्या मिलता है, पुरुष सूक्त। अब इसको ऐसे भी समझ जाओ कि एक परिवार में जो एक पिता होता है, पिता अगर अपने परिवार के अपने पुत्रों को अगर या पुत्र या पुत्रियों को अगर वो ज्ञान दे रहा है तो वो क्या है, ब्राह्मण है। अपने वो एक पिता जो है अगर वो अपने परिवार की रक्षा कर रहा है तो वो क्या है, क्षत्रिय है। एक पिता अपने परिवार की आजीविका के लिए अगर वो व्यापार कर रहा है तो वो क्या है, वैश्य है। और आजीविका के लिए अगर वो कार्य कर रहा है तो वो क्या है, शूद्र है। तो एक पिता की में तो चारों गुण है, क्या क्या, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी और शूद्र का भी। तो इस प्रकार से ये सब हमें जानकारी मिल रहा है कहां से, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और 10वें मंडल में कौन सा सूक्त, तो पुरुष सूक्त। अब ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के इसी 10वें मंडल में एक और सूक्त है जिसको हम बोलते हैं देवी सूक्त। देवी सूक्त में ऋग्वैदिक कालीन 33 देवी देवताओं का उल्लेख। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक कालीन कितने देवी देवताएं थे, तो 33 देवी देवताएं। और इस देवी सूक्त के अलावा हमें एक और सूक्त मिलता है जिसका नाम है तो नदी सूक्त। और ऋग्वैदिक कालीन 25 नदियों का हमें क्या है, उल्लेख मिलता है। 25 नदियों में जो सबसे पहला नदी है, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु। और सबसे अंतिम नदी कौन सी, यहां पर गोमती नदी है। और सरस्वती नदी और गंगा नदी का भी उल्लेख है, गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है और सरस्वती नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो ये सब जो उल्लेख हुआ है नदियों का, वो कहां पर हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में, जहां 25 नदियों का हमें उल्लेख मिलता है। और देवी सूक्त में 33 देवी देवताओं का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और पुरुष सूक्त में हमें 4 क्या मिलता है, वर्ण वर्ण वर्णों के संदर्भ में हमें क्या मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। और नासदीय सूक्त में हमें सृष्टि की उत्पत्ति और निर्गुण ब्रह्मा के संदर्भ में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। तो ये ऋग्वेद का क्या था, आपका 10वां मंडल। और ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 37वें सूक्त में हमें लक्ष्मी माता को लेकर भी क्या मिलता है, पाठ में दर्ज होते हैं लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त। तो श्री सूक्त या लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने हेतु यहाँ मंत्र का क्या है, उल्लेख है। वो कौन से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 37वें सूक्त में। तो इस प्रकार से ये आपका ऋग्वेद था। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको ऋग्वेद से संबंधित बहुत कुछ जानकारी मिला। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है उसको हम बोलते हैं होता। और जितने भी जो वेद है उन सभी वेद के अपने अपने क्या है, उपवेद है। और ऋग्वेद जो ऋग्वेद है उसका जो उपवेद है उसको हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद। उसका नाम क्या है, आयुर्वेद। और ध्यान दीजिएगा, जो आयुर्वेद है उसके कुल मिलाकर कितने अंग है, 8 अंग। ये 8 अंग क्या क्या है, पहला शल्य, शलाकि, काय चिकित्सा, भूतंत्र, अगत तंत्र, रसायन, वाजीकरण, ठीक है। तो ये सब क्या है, आयुर्वेद के क्या थे, अंग है। और ये यही आयुर्वेद क्या है, ऋग्वेद का क्या है, तो उपवेद है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऋग्वेद से संबंधित आपको कई नए नए चीजें के बारे में आपको जानकारी हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। आपका जो ये लाइक बटन को दबाना ही मेरे लिए एक पुरस्कार जैसा है, ताकि मुझे एक कॉन्फिडेंस मिले और आगे चलकर मैं और भी आपको नए नए चीज के बारे में जानकारी देते हैं। धन्यवाद।